सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल जिद्दी दिल माने ना में आने वाला है बेहद मजेदार सा ट्विस्ट, क्योंकि करने वाला है करण मोनामी को प्रपोज। जी हाँ दोस्तों, मोनामी जिस पल का इंतजार काफी समय से कर रही थी, यहाँ तक कि मोनामी ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कभी कुछ होगा, लेकिन बता दे कि फाइनली अब करण मोनामी से अपने प्यार का इजहार करने वाला है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि करण और मोनामी दोनों एक दूसरे से बात करते नजर आएंगे। पहले तो करण अपने मन की बात कह ही नहीं पाएगा, लेकिन जब मोनामी उसे बार बार कहेगी कि उसे क्या कहना है, छोटी सी बात कहने में वो इतना समय ले रहा है, तभी करण उसे कह देगा कि वो उसे बेहद प्यार करता है। वेल, इसके बाद आएंगे शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्योंकि अब जल्द ही करण मोनामी को डेट पर ले जाता हुआ भी नजर आने वाला है। जी हाँ, दरअसल फैजी जो हॉस्पिटल में है, जब उसे पता चलेगा कि करण ने मोनामी से अपने प्यार का इजहार कर दिया है, तो ऐसे में फैजी करण को सजेस्ट करता हुआ आने वाला है नजर कि उसे मोनामी के साथ जाना चाहिए डेट पर। और ऐसे में जल्द ही हमें इनकी रोमांटिक सी डेट देखने के लिए भी मिलने वाली है। वाले को जहां दोनों की जिंदगी सुलझ रही है, तो यहां दूसरी ओर सिड और संजू अभी भी एक दूसरे में उलझे हुए हैं। दरअसल सिड आया है संजू के गांव ताकि वो संजू से शादी कर सके और कुंदन से उसकी शादी तोड़वा सके, लेकिन ऐसे में आप देखने वाले हैं कि संजू सिड को ये कहने वाली है कि वो कुंदन से ही शादी करेगी, लेकिन सिड भी इस बार है अपनी जिद पर कि यहां वो रहेगा और उसकी शादी देखेगा। अब देखना ये मजेदार होगा कि क्या सिड संजू की शादी रुकवा पाने में कामयाब हो पाएगा, क्या इन्हें भी मिल पाएगी इनके प्यार की मंजिल, क्या कुछ शो में होगा ये जानने के लिए देखते रहिए सब टीवी पर जिद्दी दिल माने ना।